10 दिसंबर को होने वाले भारत श्रीलंका वनडे इंटरनेशनल मैच के मद्देनजर स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसको लेकर जहां प्रदेश पुलिस दर्शकों की सुरक्षा के लिए 900 से अधिक जवान तैनात किए जाएंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपनी तरफ से 300 सुरक्षा कर्मी तैनात करेगी। सुरक्षा कर्मी मैदान के अलग अलग स्थानों पर सेवाएं देंगे। इसके अलावा हाई डेफिनेशन कैमरे पर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में समुद्री तल से 4,780 फुट की ऊंचाई पर स्थित धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चौथा एकदिवसीय खेला जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम भारतीय मैदानों सहित विश्व के सबसे खूबसूरत मैदानों में शुमार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में चौथा एकदिवसीय मैच भारत और श्रीलंका के बीच 10 दिसंबर को खेला जाएगा। 10 दिसंबर को धर्मशाला में हजारों दर्शकों की मौजूदगी में सीरीज का पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय T20 मैच, T20 वर्ल्ड कप सहित टेस्ट मैच का सफल आयोजन हो चुका है। धर्मशाला मैदान में दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच डे और नाइट खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ धर्मशाला ने 10 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम श्रीलंका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच के सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की नींव वर्ष 2002 में रखी थी। 60 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम में लगभग 27,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। मैच में आने वाले हर दर्शक की सुविधा व सुरक्षा का ख्याल रखते हुए HPCA ने तैयारी पूरी कर ली है। पहली बार धर्मशाला स्टेडियम में ज्यादा रेजोनेशन व नाइट विजन कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। ये कैमरे हर गतिविधि पर बिना बाधा नजर रख सकेंगे। जिन प्रवेश द्वारों में दर्शकों के टिकट जांचे जाएंगे, वहां पर मेटल डिटेक्टर भी स्थापित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि धर्मशाला के स्टेडियम में होने वाले वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए दर्शकों के प्रवेश के लिए 4 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, जबकि इसके भीतर 23 अन्य अलग अलग द्वारों के माध्यम से दर्शक दीर्घा में प्रवेश करेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि भारत श्रीलंका मैच के दौरान सुरक्षा को लेकर जिला के प्रवेश द्वारों पर भी सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया जाएगा। जिला में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले मार्गों पर पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की तलाशी के बाद आने की अनुमति होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर को 19 सेक्टरों में बांटा गया है तथा हर सेक्टर में पुलिस अधिकारी की अगुवाई में जवानों की तैनाती की जाएगी। 10 तारीख को भारत व श्रीलंका के बीच में होने वाले वनडे के लिए पुलिस ने सारी सुरक्षा की तैयारियां कर ली हैं। इसमें लगभग 900 जवान जो हैं वो सुरक्षा ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 18 गजटेड ऑफिसर जो है ड्यूटी पे तैनात होंगे। टोटल सिटी को अलोंग विद स्टेडियम 19 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ट्रैफिक सेक्टर अलग से हैं और स्टेडियम के लिए अलग से सेक्टर हैं। अकॉर्डिंगली एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है और पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पे डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ियां पार्क की जाएंगी। इसके अलावा जितने भी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे नाकाबंदी की जा रही है और जितने भी व्हीकल्स धर्मशाला की तरफ एंटर हो रहे हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उनको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। थैंक यू। HPCA प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि दर्शकों की सुरक्षा के लिए हर प्रवेश द्वार पर नाइट विजन व HD कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मैदान में भी CCTV कैमरे दर्शकों पर नजर रखेंगे। टीमें 7 दिसंबर को धर्मशाला पहुंचेगी और 8 व 9 दिसंबर को मैदान में खिलाड़ी अभ्यास करेंगे और 10 दिसंबर को मैच खेला जाएगा। किसी भी दर्शक को मैच के दौरान भीतर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि दर्शक अपने साथ मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, जबकि कैमरा, पेन, लाइटर, बोतल व सिक्के आदि मैदान के भीतर नहीं ले जा सक पाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 10 तारीख को होने वाले मैच के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा में किसी तरह की कोई खामी ना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ बैठक भी हो चुकी है और पूरे स्टेडियम को जो है वो CCTV कैमरा से जो है वो कवर किया गया है, ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो सके, ना कोई असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पे पधार सके और नकली टिकट जो है वो यहाँ पे ना हो। उसके लिए टिकटिंग एजेंसी ने जो है वो बार कोडिंग स्कैनर जो है वो लगा रखे हैं, इसलिए कोई भी जो है वो टिकट यहाँ नकली होगी वो बार कोडिंग स्कैनर के अंदर जो है वो पकड़ा जाएगा और उसका भी जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किया गया है।
दोनों टीमें यहां पे 7 तारीख को पहुंच जाएंगी, 8 और 9 को जो है वो यहां पे अभ्यास करेंगे और 10 तारीख को समय से मैच शुरू हो जाएगा। उसके लिए पूरी तरह से हमने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। थैंक यू सर।